पर उन लोगों के लिए, उन बायर्स के लिए जो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं ग्रेटर नोएडा एनसीआर में एक घर लेकर, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में धोखेबाज बिल्डरों की पूरी फौज तैनात है। धोखेबाज बिल्डरों की फौज से आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ही झटके में आपकी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई निकल जाएंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। एक ही लैंड पर कई कंपनियां बना रही हैं ठगने का धंधा। डोमोंड ब्राइज न्योब्रिक्स का फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है, करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया है विपुल और उसके साथ ही इसके बाद फरार होगी, जबकि ब्राइज का मालिक राहुल पहले से ही जेल में बंद है। और ठगने के लिए सेक्टर 150 में भी लॉन्च किया गया था एक प्रोजेक्ट दी गोल्फ एड्रेस नाम से। प्रोजेक्ट की मार्केटिंग दी अंतरिक्ष और डोमेंट मिलकर कर रहे हैं। धड़ल्ले से मार्केटिंग की गई, पहले से जमीन पर शुभकामना एडवर्ट लॉन्च कर चुका है प्रोजेक्ट, लेकिन बाद में उसी जमीन पर प्रोजेक्ट को स्क्रैप किया गया। शुभकामना के बाद अब डोमेंट ने संभाली थी ठगी की कमान। शुभकामना के स्क्रैप किए गए प्रोजेक्ट को संभालता है डोमोंट। एक गिरोह की तरह काम कर रहे कुछ बिल्डर और अथॉरिटी भी कहीं ना कहीं इन बिल्डर से जरूर मिली है, क्योंकि यहाँ पर एक ही जमीन पर अलग अलग बिल्डर्स को कैसे परमिशन मिल जाती है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो लोगों को ठगा जा रहा है। तो अगर आप भी अपना आशियाना लेने का सपना संजो रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि उससे पहले, जबकि इससे पहले अपनी जिंदगी भर की कमाई किसी बिल्डर के हाथों आप सौंपें, जरूर जांच परख लें हर लिहाज से जितना ज्यादा हो सकता है कि कहीं वो बिल्डर आपको धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं आपका पैसा डूब तो नहीं जाएगा, क्योंकि एक ही जमीन पर अलग अलग बिल्डर अपने अलग अलग नाम के प्रोजेक्ट दिखाकर बायर्स को ठगने का काम कर रहे हैं। एक तरह से कॉकस सा बन गया है यहाँ पर बिल्डर्स का, और खास तौर पर इन पर आशीर्वाद रहता है अथॉरिटी का। जी हाँ, अगर प्राधिकरण यहाँ पर इनके साथ नहीं मिला है तो कैसे मुमकिन है कि एक ही लैंड पर, एक ही जमीन पर अलग अलग बिल्डर अलग अलग प्रोजेक्ट का यहाँ पर लोगों को सपना दिखाकर करोड़ों ठग रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर चाहते हैं कि इतने लोक लुभावने इनके वादे होते हैं और इतने सस्ते दर पर इन्हें यहाँ इनका आशियाना दिलाने का वादा किया जाता है। ऐसे ऐसे विज्ञापन यहाँ पर बनाए जाते हैं कि लोग इनके झांसे में आ ही जाते हैं और उसका ये लोग फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। न्योब्रिक्स और ब्राइज की हम बात करें, ब्राइज की हम बात करें, डोमेंट के नाम से यहाँ अलग अलग जिस तरह के प्रोजेक्ट चले, उसने करोड़ों इन्वेस्टर्स का पैसा डका दिया है।